Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 7 science chapter 4. Chapter 4 हम read कर रहे थे heat and sound. तो हमने इसके 2 part complete कर लिए थे. आज हम इस chapter का part 3 read करेंगे. Page number 38 आपको open करना है. Let's start. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यानी चालक और कुचालक. मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट रैपिडली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यानी ऐसे मटेरियल्स जो हीट का बहुत तेज़ी से चालन करते हैं यानी कंडक्शन करते हैं क्या कहलाते हैं, हीट के गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं. सच इज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. कौन कौन? आयरन है जैसे, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं. ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट रैपिडली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट. और दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर्स ऑफ हीट यानी कुचालक बोला जाता है. सच इज रबर, वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा. यानी कि जैसे रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, तो ये क्या है, इंसुलेटर्स है. एयर एंड वाटर आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. और एयर और वाटर जो हैं वो भी हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं. सम मटीरियल्स सच इज वूल, फर एंड बर्ड फेदर्स आर गुड इंसुलेटर्स बिकॉज दे ट्रैप द एयर बिटवीन दियर फाइबर्स. और कुछ मटीरियल्स होते हैं जैसे वूल होती है, फर यानी छाल होती है, एंड बर्ड फेदर्स बर्ड्स के पंख होते हैं. तो कैसे होते हैं, गुड इंसुलेटर्स होते हैं, ये अच्छे कुचालक होते हैं क्योंकि ये इनके बीच में जो फाइबर्स होते हैं ये उनके बीच में पॉर्स होते हैं तो उनमें एयर ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन. यानी कंडक्शन का अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर करके देखेंगे. तो देखो, कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड एलॉयज लाइक ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यानी जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं हमारे किचन में, किचन के जो बर्तन होते हैं वो यूजुअली किससे मेड होते हैं, मेटल्स से, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है एंड एलॉयज मिश्र धातुएं जो होती है जैसे ब्रास, पीतल है, स्टेनलेस स्टील है, तो इनसे बने हुए रहते हैं हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. कैसे होते हैं ये, हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं इसलिए जल्दी से गर्म हो जाते हैं. हैंडल्स ऑफ मेटल कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स लाइक वुड, बैम्बू एंड बेकेलाइट सो दैट दे डू नॉट बिकम हॉट एंड आर इजी टू होल्ड इवन व्हेन द वेसल्स इज वेरी हॉट. यानी जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बने हुए होते हैं वो वुड, बैम्बू या फिर बेकेलाइट से बने हुए रहते हैं क्योंकि ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं इसलिए ये गर्म नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको आसानी से पकड़ लेते हैं. जैसे कुकर होता है, कुकर का हैंडल हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ रहता है जैसे, तो ये इसका हैंडल भी किससे बना हुआ है, हार्ड प्लास्टिक से, तो इनको पकड़ने में हमें आसानी रहती है क्योंकि जो वुड या फिर प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, हीट की बैड कंडक्टर होती है इसलिए उसमें हीट का कंडक्शन नहीं होता है. व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटीरियल आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटीरियल लाइक एस्बेस्टोस. और जो व्हीकल्स होते हैं उनमें इनफ्लेमेबल मटीरियल्स जो पाए जाते हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं, इंसुलेटिंग मटीरियल लाइक एस्बेस्टोस. यानी एस्बेस्टोस एक मटीरियल होता है, इंसुलेटिंग मटीरियल है, तो इससे कवर्ड रहते हैं ताकि वो उनमें आग नहीं लगे. वूल इज वार्म इन विंटर एज द पॉर्स इन वूल ट्रैप आर विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो इट कीप्स अस वार्म. जैसे वूल होती है, ऊन जो होती है, तो हम विंटर में क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो
वो हमें गर्म कैसे रखते हैं, क्योंकि उन वूल में क्या पाए जाते हैं, पॉर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो उन पॉर्स में क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, यानी एयर फंस जाती है उनके बीच में, और जो और ये क्या होते हैं, हीट के बेड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए ये हमें क्या बनाए रखते हैं, गर्मी बनाए हुए रखते हैं। ब्लॉक्स ऑफ आइस आर यूजुअली कवर्ड विद द क्लॉथ और शो डस्ट व्हेन स्टार्ट, यानी आइस के ब्लॉक्स जो होते हैं, यानी बर्फ की सिल्लियाँ होती हैं ना, उनको यूजुअली सामान्यतः किससे कवर्ड करके रखा जाता है, या तो क्लॉथ से कवर्ड किया जाता है, या शो डस्ट यानी बुरादा होता है ना लकड़ी का, उसमें स्टोर किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द आउटसाइड हीट फ्रॉम मेल्टिंग द आइस क्विकली, ये किससे बचाते हैं आइस को, यानी बाहर की जो हीट है, गर्मी है, उससे बचाते हैं, और ताकि वो क्या नहीं हो, मेल्ट नहीं हो जल्दी से, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कंडक्शन के, जो हम आसानी से देख पाते हैं हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे व्हीकल्स वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वेक्शन ऑफ हीट। फर्स्टली हमने रीड किया था कंडक्शन ऑफ हीट, अब सेकेंडली हम क्या रीड कर रहे हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो लिक्विड एंड गैसेस आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो जनरली हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन दैम टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, और इनमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कौन से मेथड से होता है, कन्वेक्शन मेथड से, जबकि सॉलिड में कौन से मेथड से होता है, कंडक्शन से, ठीक है। इन दिस मेथड, इस मेथड में द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंस इटसेल्फ, और इन ये जो मेथड है कन्वेक्शन, इसके अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल मोमेंट करते हैं, यानी वास्तविक रूप में क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसकी वजह से क्या हीट का ट्रांसफर होता है, और उस मेथड को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन, ठीक है। व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड, जब हम लिक्विड को या गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं गर्म करते हैं, दे एक्सपेंड, तो ये क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, यानी फैल जाती है, बिकम लेस डेंस एंड राइज, और कैसी हो जाती है, ये लेस डेंस यानी हल्की हो जाती है। द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कॉल्डर पोर्शन फ्लो डाउनवर्ड टू टेक देयर प्लेस, और जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड और गैसेस के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किधर की तरफ फ्लो करते हैं, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, यानी जो कॉल्डर पोर्शन होता है, यानी ठंडा वाला जो पोर्शन होता है, वो किधर की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड साइड में। Now these molecules get heated and rise, और फिर ये जो molecules हैं वो क्या हो जाते हैं, heat यानी गर्म हो जाते हैं, and rise, this continuous process result in the formation of a current called convection current, और इस process की वजह से, जो ये continuous process चलता है, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है एक करंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन करंट। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें बताया हुआ है कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड को हम गर्म करते हैं जो कोल्डर पोर्शन होता है ऊपर वाला, तो किधर की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड साइड में, यानी नीचे की तरफ गति करता है, तो उसकी वजह से एक करंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो इस करंट को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन करंट बोला जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और अ गैस बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, यानी कन्वेक्शन किसको बोला जाता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है किसमें, लिक्विड और गैसेस में, किसकी वजह से होता है, जो लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल मोमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एक करंट उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके थ्रू हम कन्वेक्शन के बारे में और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो, लेट्स परफॉर्म टू शो, एम क्या है, टू शो दैट लिक्विड ट्रांसफर हीट बाई कन्वेक्शन, यानी लिक्विड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू किस तरह से होता है, इसको हम
रीड करेंगे। तो मटेरियल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, फ्लास्क, पोटेशियम परमैंगनेट, बर्नर, रिटॉर्ट, स्टैंड, यानी एक स्टैंड की ज़रूरत है और फ्लास्क की ज़रूरत है, पोटेशियम परमैंगनेट की आवश्यकता है और बर्नर गर्म करने के लिए। ठीक है, मेथड क्या है इसका, फिल द फ्लास्क विद वाटर एंड केयरफुली ड्रॉप वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द फ्लास्क, यानी जो फ्लास्क है हमारे पास ये, इसको हमें क्या करना है, वाटर से फिल करना है, उसके बाद इसमें एक ड्रॉप क्रिस्टल, एक ड्रॉप डालनी किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की फ्लास्क के अंदर। हीट द फ्लास्क जेंटली ओवर अ फ्लेम, और बर्नर में इसको, फ्लास्क को हमें क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है जस्ट बिलो द क्रिस्टल। वॉश द मोमेंट ऑफ द कलर्ड वाटर इन द फ्लास्क, और तो हमने जो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल डाला है उसकी वजह से वो क्या होने लग जाएगा, वाटर कलर्ड होने लग जाएगा। तो हमें जो कलर्ड वाटर है उसमें जो मोमेंट है फ्लास्क के अंदर, कलर्ड वाटर का जो मोमेंट है उसको देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क इज कलर्ड, तो हम क्या देखेंगे कि बॉटम वाला जो वाटर है फ्लास्क के अंदर वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। बट द वाटर एट द टॉप इज क्वाइट क्लियर, लेकिन जो ऊपर टॉप वाला जो टॉप पे जो वाटर है वो क्या रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, दिस इज ड्यू टू कन्वेक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स एट द बॉटम गेट हीटेड अप एंड राइज कैरिंग द हीट एनर्जी विद देम, तो इसमें ये किसकी वजह से हुआ कि जो इसमें लोअर पार्ट था वाटर का वो तो कलर्ड हो गया, लेकिन जो टॉप वाला पार्ट है वो कलर्ड नहीं होता है वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो अपन इनको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो यानी जो बॉटम वाले हीट, सॉरी ऊपर वाले जो कोल्डर रीजन है वो डाउनवर्ड्स की तरफ क्या करता है, मूव करता है, कैरिंग द हीट एनर्जी विद देम, और अपने जो हीट एनर्जी है उसको अपने साथ कैरी कर लेता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट ये होता है। ठीक है, अब कन्वेक्शन करंट इन नेचर, यानी नेचर में किस तरह से कन्वेक्शन करंट पाया जाता है प्रकृति में, तो वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इन कोस्टल एरियाज, जो समुद्री एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पर ब्रीज जनरली ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट, यानी जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो जनरली कहाँ से कहाँ पर ब्लो करती है, बहती है, दिन के टाइम तो कहाँ से, सी से लैंड की तरफ बहती है, ब्लो करती है, जबकि नाइट के टाइम पे लैंड से सी, यानी फ्रॉम द लैंड टू द सी, यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो हवाएं चलती है वो दिन में तो चलती है समुद्र से ज़मीन की तरफ, और नाइट में चलती है ज़मीन से समुद्र की तरफ। दीज सी एंड लैंड ब्रीजेज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, जो ये समुद्री हवाएं और जो लैंड पर चढ़ने वाली जो हवाएं होती हैं वो कैसी होती है, वास्तव में क्या होती है, कन्वेक्शन करंट होती है ये। ठीक है, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, दिन के टाइम पर क्या होता है, जो लैंड भूमि रहती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। सो द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर एंड राइजेस अपवर्ड्स एंड इट इन इट्स प्लेस कूलर एयर फ्रॉम अबव द सी रशेस टूवर्ड्स द लैंड रिजल्टिंग इन अ सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के टाइम पे जो लैंड वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, किसकी वजह से, यहाँ पर जो सी जो है यानी समुद्र है तो वहाँ पर लैंड हीट्स अप फास्टर देन, यानी वो वहाँ से जो हवाएं चलती है सी से लैंड की तरफ। सो द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर एंड राइजेस अपवर्ड्स, तो जो एयर्स होती हैं उसकी वजह से लैंड यानी भूमि वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
रिजल्टिंग इन अ सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। और ऐसा किसकी वजह से होता है, जो सी ब्रीज चलती है यानी समुद्री हवाएं चलती है, जिसकी वजह से जो लैंड वाला जो पार्ट रहता है वो दिन के टाइम पे गर्म रहता है। द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और जो कूल एयर ठंडी हवा किधर से किधर की तरफ चलती है, सी फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड यानी समुद्र से जमीन की तरफ जो हवाएं चलती है उनको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज, समुद्री हवाएं बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नाइट, और दूसरी तरफ देखा जाए तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, द लैंड कूल्स फास्टर, जो जमीन होती है, जमीन वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सो द एयर अबाउट द सी इज वार्मर, और जो सी के ऊपर वाली जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। देन द एयर ओवर द लैंड एट नाइट, कूलर एयर फ्रॉम द लैंड रिप्लेस द वार्मर एयर अबाउट द सी रिजल्टिंग इन अ लैंड ब्रिज। और जो जमीन पे जो ठंडी हवाएं चलती है वो किससे रिप्लेस होती है, जो सी के ऊपर वार्मर एयर होती है जिससे रिप्लेस होती है, जिसकी वजह से क्या चलती है, लैंड ब्रिज यानी जमीन में जो हवाएं चलती है वो लैंड ब्रिज कहलाती है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, और जो कूल एयर ठंडी हवा होती है वो कहाँ से कहाँ पे ब्लो करती है, लैंड से सी की तरफ। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और इसको क्या बोला जाता है, लैंड ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, जमीन पर चलने वाली हवाएं, और ये सी ब्रिज मीन्स समुद्री हवाएं। टर्न द पेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। जैसे हमने कंडक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रीड किए थे, वैसे ही हम यहाँ पर कन्वेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर रीड करेंगे। तो देखो, वेंटिलेटर्स एंड एग्जस्ट फैंस आर यूजुअली प्लेस्ड नियर द सेलिंग ऑफ अ रूम, यानी कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं और जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं वो कहाँ पर हम लगाते हैं, यूजुअली जो रूम की जो छत होती है उसके नियर में लगाते हैं। बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर देन ऑर्डिनरी एयर, यानी जो हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं यानी हम जो हवा को जो बाहर निकालते हैं ब्रीथ आउट करते हैं वो कैसी होती है, वार्मर यानी कि गर्म होती है। और जो ऑर्डिनरी जो हमारी सामान्य तो जो एयर होती है उससे कैसी होती है, लाइट होती है। इट राइजेज एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स और एग्जस्ट फैन एंड कॉल्ड फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू द विंडोज। तो हमारी ब्रीथ आउट से जो वार्मर एयर निकलती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। तो ये क्या करती है, राइज होके यानी वृद्धि करके कहाँ से ऊपर की तरफ जाके, कहाँ से, वेंटिलेटर से या एग्जॉस्ट फैन से कहाँ पे निकल जाती है, बाहर की तरफ, और बाहर से कॉल्ड और फ्रेश एयर अंदर एंटर करती है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है, एयर कंडीशनर आर इंस्टॉल्ड नियर द रूफ, यानी जो एसी होते हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं, छत के पास में। द कूल एयर बीइंग हैवियर मूव्स डाउन द एंड द वार्म एयर नियर द सरफेस ऑफ द रूम राइजेस अप देयर बाय सेटिंग अप कन्वेंशनल करंट विच कूल द वॉल रूम इफेक्टिवली। यानी जो रूम की छत होती है जस्ट वहाँ पर लगाए जाते हैं एयर कंडीशनर, किसकी वजह से, क्योंकि जो कूल एयर होती है, ठंडी जो हवाएं होती है वो कैसी होती है, हैवियर होती है यानी भारी होती है। तो क्या करती है, मूव्स डाउन यानी नीचे बैठ जाती है। एंड द वार्म एयर नियर द सरफेस ऑफ द रूम राइजेस अप देयर बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट, और जो वार्म एयर होती है यानी गर्म जो हवा होती है वो कहाँ पर रह जाती है, सरफेस पर रह जाती है। और ये जो एयर कंडीशनर होता है वो कौन से मेथड पे कार्य करता है, कन्वेक्शनल करंट पे, विच कूल द होल रूम इफेक्टिवली, जिसकी वजह से पूरा रूम क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। स्मोक एंड गैसेज फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज राइज अप द चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और जो स्मोक एंड गैसेज होती हैं यानी धुआं और गैसेज होती हैं फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज से और हाउसेज से जो स्मोक निकलता है, राइज अप द चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, यानी ये भी किसकी वजह से निकलता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से चिमनीज़ में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रेडिएशन ऑफ हीट। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में रीड करेंगे। ओके, तो आज हमने यहाँ पर
क्या क्या रीड किया, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स रीड किए। उसके बाद हमने कंडक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखे, फिर कन्वेक्शन ऑफ हीट यानी दूसरा मेथड, हीट के ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स थे। पहला था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम इसके 2 मेथड्स हम रीड कर चुके हैं। पहला है कंडक्शन जो किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, और दूसरा मेथड है कन्वेक्शन जो किस में होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है। ठीक है, तो हमने कंडक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रीड कर लिए और कन्वेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम यहाँ पर रीड कर चुके हैं। ठीक है, इसका अब लास्ट पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, उसको हम अगली क्लास में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।